जैसा कि आपको पता होगा कि हम दिल्ली आए हुए हैं भाई की शादी अटेंड करने के लिए, तो आज से जो है शादी की रस्में हो रही है शुरू। तो कोशिश करेंगे शादी की जितनी भी रस्म है वह सभी आपको दिखा सके। तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, और क्योंकि मुझे लाइट मेकअप चाहिए था तो जल्दी हो गया। आज मेरे भांजे का शादी है, आज मेरे भांजे की शादी है, आज मेरे चाचू की शादी है। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, और दीदी भी इधर रेडी हो चुकी है। तो जी, सभी लोग चल दिए हैं शादी की तरफ, और हम लोग जो है जा करके अटेंड करते हैं। और वहां पर जो है हमारे परिवार के बाकी सदस्य भी होंगे, और पूरा माहौल जो है भरा पूरा लगेगा। उसे थोड़ा सा अंदाजा आपको यहीं से लग गया होगा कि कितना चहल पहल है अभी शादी को लेकर के। यहाँ पे सारे लोग अपने कपड़े डिसाइड कर रहे हैं, क्या पहनना है नहीं पहनना है। मम्मी का तो कपड़ा ही नहीं मिल रहा है ना। मम्मी हमारा कभी मिलता ही नहीं है, ऐसे ही पहन के तब चले जाते हैं। फिर भी लास्ट टाइम में मम्मी का हर हमेशा मिल जाता, तो आज भी मिल जाएगा, क्योंकि हम बेटी कोट और ब्लाउज कहीं रखोते कि मुझे किसी का आता नहीं है, साड़ी किसी का मिल जाएगा। साड़ी तो किसी का भी पहन लेते मम्मी, कोई दिक्कत नहीं। मम्मी अपना ढूंढने में लगी हुई है, और अब हम चलते हैं नहाने के लिए, नहीं तो अब दीदी डांटेगी। और इधर पति देव आज रहे हैं, इस बात पे एडिटिंग कर रहे हैं, तो कुछ सीन है। हाँ, तो यहाँ पति देव लगे पड़े हैं आप लोगों के लिए एडिटिंग पे। और इधर हमारे लड्डू, इधर हमारी गन्नू, दोनों डांस कर रहे हैं, और क्रियांश हो गया। क्या आपको ही पहनना है ड्रेस न्यू। अभी बज रहे हैं जी सुबह के 11:30, और मौसम देख सकते हैं कितना बेहतरीन है। यहाँ बालकोनी में आ गए हैं ब्लॉगिंग करने के लिए, क्योंकि अंदर जो है गतिक को कपड़ा पहनाया जा रहा है, और क्रियांश की तरह वह भी कपड़ा नहीं पहनना चाहता है। जब भी कपड़ा पहनाया जाता है और जब भी कपड़ा खोला जाता है, उस समय दोनों बच्चे जो है खूब शोर मचाते हैं, ऐसे ही बाकी बच्चे भी मचाते होंगे। और फिलहाल हम लोग को निकलना है अपने भाई के घर की तरफ। जैसा कि आपको पता होगा कि हम दिल्ली आए हुए हैं भाई की शादी अटेंड करने के लिए, तो आज से जो है शादी की रस्में हो रही है शुरू। तो कोशिश करेंगे शादी की जितनी भी रस्म है वह सभी आपको दिखा सके, हमारे बिहार के साइड कैसे शादी होती है प्रॉपर आपको उसका एक जो है झलक दिखा सके। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे साइड की जो रस्में हैं देखने में काफी मजा आएगा। ये देखिए लड्डू जो है बैक मार रहा है इसमें, और इसको सुलाने की कोशिश जारी है। कपड़ा पहन लिया, क्या फायदा, फिर जग जाएगा। अभी पहने तबाही मचा देगा पूरा। अच्छा, इसीलिए अब तुम शांति हो जाओ पहले, ठीक है। और इधर मम्मी की भी तैयारी लगता है लगभग हो चुकी है, लगभग हो ही गया है, बस हो ही गया है। और जिया गई हुई है पार्लर, बस उसका एक फिनिशिंग बिल्कुल बचा हुआ है, कल तो गई ही थी, आज शायद कुछ बाकी रह गया था आज के लिए। और क्रियांश तो है हमारा बेटा, सोया हुआ है, इसको भी तैयार करना है। थोड़ा सा शांति हम लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आंखें आधा थोड़ा सा खोल के सोता है, एक नींद आता है। तो अभी हमने साड़ी पहन ली है, अभी जा रही हूँ मैं पार्लर, थोड़ा सा मेकअप वगैरह करा लेंगे। अभी आधा ही घंटा है, तो ज़्यादा हमको कुछ करवाना है नहीं, एकदम थोड़ा सा लाइट मेकअप करवाना है। फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग हल्दी के लिए, हल्दी सेरेमनी है आज। तो इधर हमारे लड्डू जी वेट कर रहे हैं लिफ्ट का, फिर लिफ्ट आएगा तो निकलेंगे। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, और जो हमारी दीदी हैं वो रेडी करेंगी। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, और क्योंकि मुझे लाइट मेकअप चाहिए था तो जल्दी हो गया। और थैंक यू सो मच दीदी इतना अच्छा मेकअप करने के लिए, मुझे तो अच्छा लगा। अगर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिनको भी दीदी से सर्विस चाहिए तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दीदी का यहाँ पर डाल दूँगी, तो आप दीदी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, स्पेशली जो गाजियाबाद में है ना दीदी। तो अभी हम चलते हैं क्योंकि लेट हो चुके हैं काफ़ी। आज मेरे भांजे का शादी है, आज मेरे भांजे की शादी, मेरे चाचू की शादी है, इसका ना है मेरा भांजा का है। तुम बोल आज मेरे चाचू का शादी है। तो क्रियांश जो है लगभग हो चुका है तैयार, और ये डांस भी कर रहे हैं तैयार, सब जो रेडी हो गया ये ना। तो इसको लग रहा है कि हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। घूमने के लिए तैयार रहता ही है। ये देखिए,
तो हम लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए और दीदी भी इधर रेडी हो चुकी है। अभी थोड़ा मेकअप ठीक लग रहा है। अरे बिल्कुल सही मेकअप है तुमको लग रहा है ऐसे? हमको लगा थोड़ा ज्यादा तो नहीं हुआ। हाँ देखो ये हम ज्यादा मेकअप नहीं करते इस वजह से हमको लग रहा था कि ज्यादा तो नहीं लग रहा है लेकिन ठीक है। जा रही है क्रियांश बुआ, रोएगा रोएगा सोच रहा है जा रही है। तो यहाँ पर सभी लोग गेट पर खड़े हैं, बस इंतजार है क्रियांश के आने का। तो क्रियांश जो है अपना जूता पहन रहा है बाबा के गोद में बैठ करके, क्योंकि हमसे नहीं पहन रहा। अच्छा, इसीलिए शांत भी अभी बाबा गोद में, अभी नहीं तो पहनाने भी नहीं देता ये। और बाहर चल रही है जी बहुत ही तेज हवा, तो पूरा सेफ्टी रखना है। तो नहीं चाहता ये भी नहीं पहनना चाहता है। और सबसे बड़ी चीज है दोनों का मैचिंग है, मैचिंग है, सेम डिजाइन देख सकते हैं, मैचिंग। तो देख सकते हैं इसका यह टोपा, अब मैं आपको दिखाता हूँ क्रियांश का टोपा। तो वो देखिए दोनों का डिजाइन एकदम सेम है टोपा का, बस खाली कलर अलग अलग है। दोनों रहेगा, हो गया, रोना नहीं है, रोना नहीं है भाई, नहीं तुम्हारा, चलो चलो चलो, सारा सामान हमने ले लिया है जी, बस हमारा बैग छूट गया काला वाला लैपटॉप वाला। आपको याद ही नहीं आता है कि क्या छूटा क्या नहीं, बैग उतार के इसको टांगा जा रहा है। सबके पास इतना सामान है सिर्फ बच्चे का शुरुआत उसको पोस्टर मिल गया रोजने के लिए। उसको गुस्सा आ रहा है कि वो क्यों आ गया। सबसे खाली है, कोई खाली नहीं, इनको छोड़ो। देखो मेरे पास सामान है, मेरे पास तो उसमें बच्चा है, बड़ा 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 बच्चा है, लेकिन फिर भी मुझे दे दिया गया है। हमारे साथ बच्चे सब अत्याचार कर रहे हैं, हम जोड़ा देंगे। बाय बाय। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, अभी सोसाइटी में ही है, ओला देख रहे हैं लेकिन एक भी राइड नहीं मिल रहा है। आप लोग हमें हर हमेशा कहते थे आंटी आपका नाइटी में रहती है, देखो मैं साड़ी में रह रही हूँ, आज आप लोग को अच्छा ही लगता होगा, लेकिन घर में मैं क्या करूँ। और मम्मी का हेयर कटिंग देखिए कितना खूबसूरत है, अच्छा लग रहा है मम्मी वैसे। हाँ, हमने दोनों भाई बहन एक एक बच्चा लेके ऊपर जाए हैं और हम और मेरी सास दोनों सामान ढोने में लगे हुए हैं। तो जी सभी लोग चल दिए हैं शादी की तरफ और हम लोग जो है जा कर के अटेंड करते हैं, और वहाँ पर जो है हमारे परिवार के बाकी सदस्य भी होंगे और पूरा माहौल जो है भरा पूरा लगेगा। उसे थोड़ा सा अंदाजा आपको यहीं से लग गया होगा कि कितना चहल पहल है अभी शादी को लेकर के, लेकिन वहाँ जाएंगे तो एनर्जी कुछ अलग लेवल पर रहेगा। तो चलते हैं वहाँ पर, मजा आने वाला है। तो वहाँ पर देखिए जी, वहाँ है गतिक और यहाँ है क्रियांश, है क्रियांश। तो इसको हमने अपना बेबी होल्डर जो है उस पर रखा हुआ है और नैन्सी दीदी उसको पकड़ी है ये। वाह, तो कुली ज्यादा सामान पकड़ता है ना, इतना सा सामान से क्या होगा। बच्चा कुली, बच्चा कुली। हम लोग भी अपना ऑटो देख रहे थे क्योंकि हम टैक्सी बुक करना चाह रहे हैं, एक भी राइड मिल नहीं रही है जैसा कि देख सकते हैं, और यहाँ पर अपनी एक सब्सक्राइबर मिल गई है। बहुत पतली हो गया, पतली है ना, सास के पास है तो तुम भी चलो। नहीं नहीं मैम, सास के पास नहीं है ना। हेलो बाबू, हाय। ठीक है चलते हैं, बैठ जाओ तुम लोग जिया।